आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में यहां पर मेरे साथ में लखनऊ में उपस्थित उत्तर प्रदेश के वित्त और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आरके तिवारी जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी अपर मुख्य सचिव गण, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, आइनॉक्स ग्रुप की ओर से उपस्थित इस वर्चुअल संवाद में श्री सिद्धार्थ जैन जी, श्रीमती नयनतारा जैन जी, श्री अरुण जैन जी, आइनॉक्स के बिजनेस हेड श्री विनोद सिंह जी, श्री पुनीत गुप्ता जी और हमारे सभी मेरठ कमिश्नरी से जुड़े हुए मेरठ की मंडलायुक्त समेत सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, आइनॉक्स ग्रुप को मैं कोरोना कालखंड में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी समस्या मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इस प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर आइनॉक्स के जिस लिक्विड ऑक्सीजन के इस नए प्लांट का आज शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर मैं पूरे आइनॉक्स परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और पिछले कुछ समय से हम लोग इस बारे में सुन रहे थे कि लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल में खासतौर पर देखने को मिल रही थी। यद्यपि उत्तर प्रदेश में हमारे खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा लगातार यह प्रयास किया गया कि इसकी कहीं कमी न होने पाए, स्वास्थ्य विभाग ने और सभी संबंधित विभागों ने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई और कहीं भी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन इस सब के बावजूद जो डिमांड थी उसके अनुसार समयबद्ध सप्लाई हो सके, यह एक चुनौती एक समय खड़ी हो गई थी। और ऐसे समय में जो हमारे लिए सबसे क्रिटिकल समय है, हम सब जान रहे हैं कि पूरी दुनिया वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है, इस समय इस संक्रमण से बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते थे पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, लेकिन फिर भी संक्रमण है। लॉकडाउन के दौरान भारत पूरी तरह न केवल संक्रमण से मुक्त था बल्कि प्रभावी ढंग से हम लोगों ने इसको नियंत्रण भी किया था। लेकिन अनलॉक के तीसरे चौथे चरण में इन्फेक्शन की दर काफी बढ़ गई थी और उसके कारण एक समस्या हम सबके सामने भी पैदा हुई थी कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे थे उन्हें हॉस्पिटल में सुविधा मिले, जो हाई रिस्क ग्रुप था उन लोगों को हॉस्पिटल में बेहतरीन सुविधा मिल सके, इसके लिए हमें जो बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति थी, खासतौर पर जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे लेवल 3 के,
एचएफएनसी और वेंटिलेटर्स की बेहतर सुविधा जहां पर थी वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर बनी रहे, तो बहुत आवश्यकता वहां पर थी और इन चीजों को हम लोग अक्सर महसूस करते थे कि एचएफएनसी के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति की डिमांड काफी बढ़ गई थी और एक समय तो ऐसा लगा कि जैसे हाहाकार मचने की नौबत आएगी। लेकिन यहां पर पहले से ही की गई व्यवस्थाओं के कारण और लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड 19 के नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम था कि संक्रमण की दर निरंतर कम होती हुई दिखाई दी और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2.2 और 2.3 के आसपास है और एक अच्छी दिशा में हम लोग जहां इसको नियंत्रण करने की ओर जा रहे हैं, वहीं रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। ये सारी चीजें हमारे लिए जहां अच्छी थी, वहीं साथ ही साथ आईनॉक्स ने भी आज हम सबको, जो एक आशंका हमेशा बनी रहती थी कि हमारे पास 72 आवर्स का ऑक्सीजन का बैकअप हो, 48 आवर्स का ऑक्सीजन बैकअप हो, स्वाभाविक रूप से आईनॉक्स के इस नए ऑक्सीजन प्लांट के आने से हम इस जो हमारा प्रयास था इसको पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है और सिद्धार्थ जी खासतौर पर मैं इस बारे में कह सकता हूं कि आप जैसे निवेशकों की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज से 3-3.5 वर्ष पहले निवेश का बहुत बेहतरीन माहौल नहीं था, लेकिन पिछले 3.5 वर्षों के दौरान हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ने, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, फील्ड में तैनात हमारे अधिकारियों ने जो बेहतरीन प्रयास किया जिसके कारण उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बनी और निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2016 में हम 16वें स्थान पर थे, आज हम 2019 तक आते आते हम लोग इसे दूसरे स्थान पर लेकर के आ गए। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की उन बेहतरीन सुविधाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतिफल है और इसलिए निवेश हमारे लिए उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का भी एक माध्यम तो है ही, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की छवि को देश और दुनिया के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी है और इसलिए निवेश की इन संभावनाओं की दिशा में हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हर एक निवेशक उत्तर प्रदेश में आकर स्वयं संतुष्ट हो और उनकी संतुष्टि हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी हमारी होती है और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आईनॉक्स ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में मध्यांचल क्षेत्र में एक नए प्लांट लगाने में अपनी इच्छा व्यक्त की है और मैं चाहूंगा प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। मुझे प्रसन्नता होगी, ये चीजें आने वाले समय की आवश्यकता है क्योंकि कोविड 19 ने हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन के लिए भी एक नई चेतावनी दी है और हम लोगों ने देखा है कि जितना हम बेहतरीन कर सकते हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हमारे पास अगर वही जर्जर ढांचा होता, क्या स्थिति होती कोविड 19 के दौरान, कितनी मौतें होती, किस प्रकार की त्रासदी होती। लेकिन आज हम लोग अगर इस सब में बेहतर परिणाम देने में सफल हुए हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य हुआ है वह सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि आईनॉक्स ग्रुप ने हमारे साथ इन्वेस्टर समिट 2018 में यहां पर एमओयू किया था और उस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और जब जुलाई 2018 में हम लोगों ने यहां पर फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित किया था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस प्लांट की आधारशिला के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आधारशिला रखी गई थी उसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे और मेरी पूरी टीम को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए सिद्धार्थ जी आपको
आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, पूरी टीम का मैं अभिनंदन भी करता हूं और अपनी इस पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन भी करता हूं जिन्होंने लग करके आईनॉक्स ग्रुप की हर एक समस्या का समाधान किया है। चाहे वह अपर गंगा नहर से जल की आपूर्ति का मामला रहा हो, चाहे वहां पर अन्य जो भी स्थानीय समस्याएं थी उनका समयबद्ध निस्तारण करने की बात रही हो। मुझे लगता है एक सामान्य रूप से लोग इस बात को मानते थे कि आखिर इससे क्या होगा, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति का कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये हम लोगों ने अभी महसूस किया जब कोविड-19 के इस कालखंड में एक समय में कुछ राज्यों में जब ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, लिक्विड ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, तो उस स्थिति में ये सबने महसूस किया कि वास्तव में इस प्रकार के मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की और इसके प्रोडक्शन की आवश्यकता का कितना महत्व हो सकता है। आज जो कार्य पूरा हो रहा है, मैं एक बार फिर से आईनॉक्स ग्रुप को उत्तर प्रदेश में इस निवेश के लिए और कोरोना कालखंड में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, यानी जो मुझे बताया गया कि 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन यहां पर होगी, और जो मैं अभी देख रहा था कि वहां पर 1000 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन के स्टोरेज की क्षमता भी उन्होंने वहां पर तय की है। यानी कहीं भी अब उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के राज्यों को लिक्विड ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिए आईनॉक्स ग्रुप को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश निवेश के इस बेहतरीन डेस्टिनेशन के लिए आज देश और दुनिया में जाना जा रहा है। आप सब भी अगला जो निवेश होगा 150 करोड़ का, उसको उत्तर प्रदेश के मध्यांचल क्षेत्र में अवश्य करेंगे। सरकार इसमें अपनी नीति के अंतर्गत भरपूर सहयोग करेगी। आप सबको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।